जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी ब्लॉग्स। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रानी सती जी के सरकणा सती जी के मेले में। हमारे यहाँ देवी है सरकणा सती जी, हर भाद्रे की अमावस को उनका मेला लगता है, मतलब भाद्रपद की ये जो अमावस आती है उसका मेला लगता है। तो अभी हम सब वहाँ जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। मैं हो गई तैयार, देवर देवरानी बच्चे सब हम लोग जा रहे हैं, तो निकलते हैं जल्दी से। कुछ रिकॉर्ड कर पाए तो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। मतलब हमारा जो शहर है रतनगढ़ शहर है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ है। ये पूरा एक रोड है जिसके दोनों तरफ खेत बने हुए हैं, और आज इस रोड पे पूरी तरीके से लोग भरे हुए हैं, आने जाने वाले, पूरा मेला लगा हुआ है। हालांकि रोशनी की व्यवस्था बहुत कम थी, जो यहाँ पे जो ठेले वगैरह लगे उन्होंने ही अपनी पर्सनल लाइट वगैरह लगा रखी थी, बाकी यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि रास्ता भी बहुत लंबा और बहुत दूर तक लगा हुआ था। यह है मंदिर में, हम लोग अभी गेट के पास खड़े क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो थोड़े थोड़े लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। अभी हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं। वैसे देखिए इनकी कोई अलग से मूर्ति नहीं है, वही जो रानी सती जी का जो चिन्ह बनाया जाता है वही चिन्ह इनका, त्रिशूल वाला वही चिन्ह है इनका भी। तो ये सरकणा सती जी का मंदिर है, यहाँ हमने दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद ले लिया। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ से प्रसाद आप लेके नहीं जा सकते, जो भी प्रसाद आप यहीं पे खा के कुल्ला करके ही आप जा सकते हो। बाहर प्रसाद का मुंह भी नहीं जाना चाहिए और प्रसाद भी लेके नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बाहर आ गए, आके हम लोग ने यहाँ पर कुछ खाया पिया, थोड़ी देर रुके, बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह ले ली जो बच्चों को पसंद है, और उसके बाद आ गए थे हम लोग घर पर। तो आप व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। ओ वैदिक, तू किसी और ले ली फिर। जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी ब्लॉग। तो आज है गणेश चतुर्थी, अभी सुबह उठे, नहाना धोना सब काम कर लिया है, वैदिक के लिए टिफिन की तैयारी करेंगे, इसको स्कूल के लिए तैयार करेंगे, बिस्कुट उठाया है जस्ट। आज रोटी का थोड़ा सा चूरमा बनाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी है। फिर देखते हैं आज गणेश जी के मंदिर जाने का प्लान है, गए तो आपको भी दर्शन कर पाएंगे। आज है गणेश चतुर्थी, तो वैदिक के हैं सिंझारे, मतलब हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी को लड़कों के सिंझारे मनाए जाते हैं। तो ये छोटी दादी वैदिक के सिंझारे करने आई है, तो उसको तिलक वगैरह निकाल के उसको मिठाई वगैरह खिला रही है। तो उसको सोन पापड़ी खिलाई, जो सोन पापड़ी जो बोलते हैं, तो उसको बहुत पसंद आई वो, इसने तो लड्डू भी नहीं खाए। और ये सुबह से जिद कर रहा था कि मुझे चूरमा खाना है, चूरमा खाना है, इसके लिए हमने खास चूरमा बनाया। लेकिन बाद में इसकी दादी ने इसके इतने नोहरे निकाले, लेकिन इसने चूरमा खाना तक मतलब पसंद ही नहीं किया। मुश्किल से हमने थोड़ा सा इसको खिलाया कि इसके लिए बनाया तो कम से कम ये खाए तो सही। तो ये हमने ऐसे बच्चों के सिंझारे बनाए। और वैदिक तो सोहन पापड़ी को घास वाली मिठाई बोल रहा था, इसको सोहन पापड़ी नाम नहीं याद आ रहा था, और वो ऐसे होती ना खुली खुली सी, तो ये बोलता मम्मा ये तो घास वाली मिठाई है। तो आप देखिए व्लॉग को, कैसे हमने बच्चों के सिंजारे मनाए। इसकी दादी ने तो बहुत मेहनत करी इसको खिलाने के लिए, फिर इसने थोड़ा सा खाया पर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाया, जितना शौक से ही कह रहा था उतना कुछ नहीं खाया इसने। अब तो माँ के धोखा भी टूट गया, एक बार और धोखा भी टूट। चूरमा, चूरमा तू बोल रहा था ना, चूरमा खाना है, मार तो पड़ी है को नहीं। वैदिक एक बार खा लो, एक चम्मच खाओ, सिर्फ मुंह के लगा ले, एक बार मुंह के लगा, थोड़ा सा खाना नहीं, सिर्फ चम्मच मुंह के लगा ले। आपने बोला था ना मैं चूरमा खाऊंगा, इतनी देर तो नाश्ता कौन करवाया, मेरे चक्कर में तो तुम चूरमा ही पहले खाओ। वैदिक एक चम्मच खा लो, एक तो आ जाते हैं आज मां पापा को खिलाए, वो निकाले डिब्बे में से, वो हमने के बाद में कर दिया। वैदिक एक चम्मच खा ले, सिर्फ एक चम्मच बिट्टू, तो हो गई हूँ मैं तैयार अभी बाहर जाने के लिए। सबसे पहले जाऊंगी बच्चों के स्कूल, वैदिक को स्कूल से लूंगी, मेरी देवरानी वहीं जॉब करती है, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, वो बच्चों को लेंगे। फिर हम जाएंगे गणेश जी के मंदिर दर्शन करने के लिए,
ज़्यादा भीड़ भी तो शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ, अगर थोड़ी जगह मिली तो रिकॉर्ड करके आपको भी भगवान के दर्शन ज़रूर करवाऊंगी। तो आज है गणेश चतुर्थी, सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं गणेश के दर्शन करने के लिए, पहले लेंगे बच्चों को स्कूल से। बच्चों को मैंने स्कूल से लिया, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, गई बच्चों को लिया, उसके बाद देवरानी भी आ गई, सुधांशु भी आ गए, उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर। मंदिर जो है एकदम मेन मार्केट में रोड पे बना हुआ है, इसकी वजह से क्या है ना एरिया बहुत छोटा पड़ जाता है, थोड़े से लोगों की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। खैर यहाँ पे आगे मैंने लड्डू का प्रसाद लिया, क्योंकि यहाँ पे भी भगवान को भोग लगाना था और घर पे भी लड्डू का भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो हम भी दर्शन कर रहे हैं, आप भी दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आ गए हम लोग बाहर, बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, तो बच्चे यहाँ खा रहे हैं अपनी आइसक्रीम, जो लास्ट तक खाते खाते इन्होंने अपने हाथ पैर कपड़े मुँह सब एकदम बिगाड़ तो लिया। खा पी के फिर आ गए हम लोग घर पर। तो ये था मेरा व्लॉग, दो दो ओकेजन, एक हो गया सतना सती जी का जो मेला था उसका, एक गणेश चतुर्थी का जो दर्शन करने हम लोग गए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री श्याम।